बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल, कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमारी लाइफ मोनोटोनस सी हो गई है। वी कैनॉट गो आउट, हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं, बट आई थिंक इट्स बेटर टू स्टे होम। बाहर जाने से अच्छा है हम अंदर रहें, सेफ रहें। एंड देन आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक विद माई ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई वॉन्ट टू जस्ट गिव देम सम सजेशंस। देखिए, आपके स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि कब तक स्कूल रीओपन होंगे, किसी को कोई आइडिया नहीं है। इस वजह से हम सभी की क्लासेस, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है। वी द टीचर्स आर टेकिंग देयर क्लासेस थ्रू ऑनलाइन मोड, एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड एंड अप्रिशिएबल वे ऑफ लर्निंग। सो बट वॉट शुड बी द स्टूडेंट्स वर्क आउट फॉर दिस ऑनलाइन मोड? सी, टीचर्स आर इंस्ट्रक्टिंग यू, ओके? आप लोग उनके लेक्चर्स फॉलो करते हैं, आपको जैसा जैसा टीचर्स करवाते हैं आप वैसा वैसा कर दो, इट्स रियली वेरी गुड। लोअर लेवल जो छोटी क्लासेस है उनके लिए बहुत अच्छा है, इट्स मोर देन इनफ, बहुत है, वो आराम से हो जाएगा। बट फॉर हायर क्लासेस आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट टू वन थिंग, दैट आप सिर्फ उन लेक्चर्स पे जो ऑनलाइन मोड है उस पे डिपेंड ना रहे, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी बुक्स भी अच्छे से पढ़नी चाहिए। यस, बिकॉज एक क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग में बहुत डिफरेंस है। क्लासरूम में हम टीचर और स्टूडेंट्स एक साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्शंस होती है, क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, किस तरह से आप अपने आंसर्स रखते हो, टीचर आपको क्या बताता है, तो वो एक बहुत अलग चीज़ है जो अभी नहीं हो पा रही है। सो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, स्पेशली फॉर क्लासेस 11 एंड 12, बिकॉज आप लोगों को, आप साइंस फील्ड में आते हो एक मोटिव लेके, आप चाहते हो कि आप जेईई क्लियर करो, आप क्रैक कर सको, नीट क्रैक कर सको। सो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और वो एफर्ट्स क्या हो सकते हैं, बेस्ट टू रीड द बुक्स थॉरली। आपको जो भी सब्जेक्ट है उसकी बुक लो, कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, अपने हिसाब से उसको रीड किया करो। जो कुछ भी आपको उसमें इम्पॉर्टेंट लगता है, वॉट एवर यू फाइंड इम्पॉर्टेंट ऑन इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, जस्ट मेक प्रॉपर उसको हाईलाइट कीजिए अच्छे से, उसको अंडरलाइन कीजिए अच्छे से, और जो कुछ भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है जस्ट नोट इट डाउन। आप अपनी अच्छी सी एक नोटबुक बना सकते हैं, उस पर आप इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, एक वो बहुत अच्छे से नोट्स बन जाएंगे, बिकॉज फॉर योर हायर स्टडीज़ इट्स बेटर टू मेक नोट्स। तो जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट बनाइए, और आप उसको आराम से फिर पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक बड़ी, बहुत बड़े बड़े आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, पॉइंट वाइज आप उसको बना सकते हैं, वन लाइन टू लाइन आंसर्स, जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है। सो आई थिंक वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल सजेशन फॉर यू पीपल। नाउ I want to take up the, I want to continue my chapter. I was teaching that biomolecules from chapter 9, class 11. Today we are going to discuss about two topics. Yes. First will be metabolism and second will be enzymes. These two topics I am going to take up today. उससे पहले भी हम कर चुके हैं nucleic acids, proteins, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। आज हम ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एक्चुअली? सी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसको हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शंस, राइट? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइंस टुगेदर फॉर्म प्रोडक्ट्स, ओके? सो दीज आर दी केमिकल रिएक्शंस। अब आपकी बॉडी में वो क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आपको पता है, आप खाना खाते हो, एट द सेम टाइम विच प्रोसेस इमीजिएटली स्टार्ट्स वर्क, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, यू नो दैट बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एट द सेम टाइम यू ब्रीद ऑल्सो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ब्रीदिंग। एंड when this exchange takes place inside the cell or cellular level, that becomes respiration. So respiration mein kya ho raha hai, carbon dioxide gas jo during the process of digestion banta hai, wo carbon dioxide jo hai aapki body se remove kiya jata hai,
उसको आप रेस्पिरेशन बोलते हो. सो नॉट ओनली दीज टू, सो मेनी अदर रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड आर बॉडी. इन्हीं सब रिएक्शंस को हम नाम दे देते हैं मेटाबॉलिज्म का. और रिएक्शंस है तो हम बोल देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. यस, अभी हमने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड्स पढ़े, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं जब मोनोसेकेराइड्स कंबाइन करते हैं थ्रू अ पर्टिकुलर बॉन्ड विच इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एट द सेम टाइम व्हेन पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, व्हाट हैपेंस, अगेन वाटर रिमूवल अकर्स. एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सेम थिंग, डिहाइड्रेशन. ऑल दीज रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी आर कलेक्टिवली वी कॉल देम एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म. ठीक है. सो बट दीज रिएक्शंस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर. ओके, सो दिस पाथवे इज एक्चुअली कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे. अब वो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So, the topic is metabolism, right? So, I told you just now that metabolism means chemical reactions in body cells that change food into energy. From those reactions, we get energy, okay? So, that is called as metabolism. And we have different reactions which are linked together. They make some pathway, okay? So, that is called as metabolic pathway. In metabolic pathway, what happens? The metabolites, all those substances, okay, which are used in that chemical reactions, they are converted into each other in a series of linked reactions. Wo ek dusre mein convert hote hain in a series. Now, what you have to study here about metabolic pathway, that this pathway is actually two types. Yes, okay, anabolic pathway and catabolic pathway. एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, वॉट हैपन्स इन दिस पाथवे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर वंस. जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन्स बनती हैं, राइट? प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स, आप जब अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं, दे मेक बिगर चेन विच इज कॉल्ड प्रोटीन. सो फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर मॉलिक्यूल्स, व्हेन बिगर macromolecules are formed, that means anabolic pathway. Clear? Here I have given the example also, amino acids forming proteins. Okay, now what you have to remember here is this reaction or anabolic pathway reactions always consume energy. Okay, whenever the reaction takes place, it requires energy, consumes energy. Very important thing to be noted here. Okay, नेक्स्ट कैटाबॉलिक पाथवे. कैटाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, दैट इज कैटाबॉलिक पाथवे, राइट? सपोज आई हैव गिवन हियर एग्जांपल, इट्स रिटन हियर, बट दिस इज एक्चुअली द एग्जांपल फॉर कैटाबॉलिक पाथवे. तो वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक लिखा गया है, बट दिस इज एग्जाम्पल फॉर कैटाबॉलिक. ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज एक्चुअली इट इज converted into lactic acid, right? Actually, this reaction where glucose is converted into lactic acid, this is a breakdown reaction where glucose is broken down into lactic acid. This reaction occurs usually in skeletal muscles, okay? And this process is also called glycolysis. Aapne padha hai in class 10, you have studied in 6th chapter, okay? Life processes. Respiration was the topic. So glycolysis is the reaction that is called glycolysis. So this is actually the reaction where bigger molecule is broken down. So this is called as catabolic pathway. But one thing you have to remember here, it is that energy is liberated here, or we can say energy is released here. Energy is not consumed here, right? It is released here. So this is important thing. So every time you have to remember that anabolic pathway always consume energy, requires energy, whereas catabolic pathway always releases the energy. Now,
You should know that living state, we the creatures, okay, we are living inside the body. Everything is going on with a steady rate, with a smooth rate. So that is the living state. It is obviously every time it is non-equilibrium steady state. Okay, this point you should note, non-equilibrium steady state. Now what does it mean, non-equilibrium? To understand this concept, let's take a small example from chemistry. You know that chemistry, different substances when combined together or reacted together, they form products. Those substances we call reactants, okay? The left-hand side reactants, right-hand side products, right? But this reaction takes place how? Jaise reactants ek saath combine karte hain, jab tak complete products nahi ban jate, that reaction goes on till all the products are being formed. But एक स्टेज ऐसी आती है जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल, ओके, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेज. इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल, इक्वल हो जाता है अमाउंट रिएक्टेंट्स का भी प्रोडक्ट्स का भी. उस स्टेज पर क्या हो पाता है, उस स्टेज पर नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस. वाई, इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, रुक सा जाता है, ओके. सो बट वॉट विल बी द नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन जब ऐसा कुछ ना हो. अगर आपकी बॉडी में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पाएंगी. बिकॉज ऑफ दैट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके. सो एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द लिविंग बॉडी, ओके. अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी तो जो लिविंग स्टेट है वो कैसे, हाउ कैन यू से दैट आर बॉडी इज एक्चुअली इन द लिविंग स्टेट, ओके. सो दैट्स वाई आर बॉडी इन साइड सेवरल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विच वी कॉल मेटाबॉलिज्म, ओके. दे ऑल आर एक्चुअली इन द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट. सो दैट्स वाई देयर इज वन रिलेशन वेयर वी से दैट living state and metabolism are interdependent, okay. So metabolism and living state both are interdependent to each other, okay. I hope this is clear. Now that was something about metabolism. Now we take up the next topic, which is enzymes. Yes, now what is an enzyme? See, now I think you all know about metabolic reactions, right. Aapki body mein jo kuch bhi ho raha hai उसको रेगुलेट करने के लिए उनकी जो स्पीड है, टू स्पीड अप दोज रिएक्शंस, आर बॉडी यूजेस सम सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. दोज सब्सटेंसेस, दोज आर एक्चुअली बायोलॉजिकल फॉर्म, दोज आर कॉल्ड एज एंजाइम्स, ओके. सो इफ यू टेक द डेफिनेशन, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स दैट एक्सेलरेट. आपकी गाड़ी होती है, इफ यू सपोज इफ यू ड्राइव योर कार, व्हाट हैपेंस, वी हैव वन एक्सेलरेटर, राइट. जब आप उसको पुश करते हो ओनली देन योर कार अचीव्स सर्टन काइंड ऑफ स्पीड, राइट. अब उसको नहीं करोगे तो स्पीड नहीं रहेगा उसका. इसी तरह से जो एंजाइम्स हैं, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स दैट एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. आई विल टेल यू अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी लेटर, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंजाइम्स. कोई भी रिएक्शन बॉडी में होता है, एंजाइम्स आर यूज्ड जस्ट टू स्पीड अप दैट रिएक्शन, ओके. सो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, प्रोटीन्स होती हैं वो और कुछ नहीं. इन केमिस्ट्री यू मे बी मे हैव स्टडीड कैटलिस्ट्स, राइट. कैटलिस्ट्स एंड एंजाइम्स सेम वर्क, ओके. बट कैटलिस्ट आर बेसिकली इनऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं. और दे कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर्स, हाई प्रेशर्स. एवरी कैटलिस्ट हैज़ दिस प्रॉपर्टी, दे कैन वर्क हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. बट इन बायोलॉजिकल टर्म्स वी कॉल देम एंजाइम्स, राइट. बट ऑल द एंजाइम्स आर नॉट हैविंग द प्रॉपर्टी वेयर दे कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ओके. बट देर आर सम एंजाइम्स यूजली taken from thermophilic organisms. What are thermophilic organisms? Those organisms, some bacteria and all, which has the capacity to survive in the very hot environmental conditions like hot springs, thermal vents, okay. So those are the organisms called thermophilic organisms. So we take the enzymes from these organisms, and those enzymes can function at really very high temperature. Around 80 to 90 degrees Celsius, okay. So this is one
एडवांटेज, बट मैक्सिमम एंजाइम्स डोंट वर्क लाइक दिस. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस. नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इन केमिस्ट्री वी यूजुअली स्टडी दैट रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन डाउन या समटाइम्स फॉर्म्स. ओके, डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. हियर इन बायोलॉजी वी ऑलवेज टेक सबस्ट्रेट्स. ओके, सबस्ट्रेट्स कंबाइंस एंड डिफरेंट स्टेजेस एंड फाइनली द प्रोडक्ट्स आर बींग फॉर्म्ड. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू काउंट द रेट, ओके, ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, देयर इज अ फॉर्मूला. वॉट इज दैट फॉर्मूला? रेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम. ओके, जितना आपके पास टाइम है उतने टाइम में कितना प्रोडक्ट बना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हैज फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब जो ये रेट है, दिस रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड. ओके, इट गेट्स डबल्ड. बट वेयर एज इफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, रेट विल ऑल्सो डिक्रीज. सो इट डिपेंड्स एट 10 डिग्री सेल्सियस इंटरवल्स, इट ऑलवेज डबल्स. सो इट्स लाइक दिस. नाउ देयर इज वन रिएक्शन I have written here just to show you that suppose there is a reaction here, okay, where carbon dioxide and water is combining together to form carbonic acid H2CO3. Okay, but in this reaction, if we don't use enzyme, okay, reaction with no enzyme, if we are not adding any enzyme, what happens? 200 molecules are formed in 1 hour. Okay, carbonic acid, 200 molecules are formed in 1 hour. But if we provide enzyme for the same reaction, 600,000 molecules can be formed in only just 1 second. Okay, so this thing is really very important to note. Here 1 hour, 200 molecules when no enzyme is there, but here 600,000 molecules in just a second. So this is actually the advantage of enzyme. It स्पीड अप द रिएक्शन. ओके, अदरवाइज तो रिएक्शन बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डाइजेशन प्रोसेस है आपका, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट एनी वेज. बट हाउ दिस एंजाइम वर्क्स? ओके, सो देर इज वन एंजाइम एक्शन. दिस इज द प्रोसेस हाउ एंजाइम वर्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट हैपन्स इन एनी रिएक्शन, दैट एंजाइम इज कम्बाइंड विद द सबस्ट्रेट. जो भी आपका सब्सटेंस है वो ब्रेक कर रहा है या फॉर्म कर रहा है. ओके, so it combines with that, it forms ES complex. okay, actually enzymes में particular sites होती है जिनको हम बोलते हैं active sites. okay, जैसे lock and key होता है, lock में एक proper site होती है जिसमें key easily fit हो जाती है. exactly like this, enzyme में कोई एक particular site होती है जिसको हम active site बोलते हैं, उसमें same structured का substrate fit हो जाता है. okay, it's just like an lock and key. so ES complex is formed, and then when this substrate or enzyme complex is formed, finally it changes into product. But here what happens, the product is still associated with the enzyme, right? This is not the final stage, you can say this is the transition state. Abhi process kya hua hai, complete nahi hua hai, so this is just the transition state. Here after forming product and after forming the association of enzyme product, what happens finally? Final product forms and the enzymes, it is recovered back. वो जैसे इन्वॉल्व हुआ तो वैसे ही सेम शेप एक्वायर करके वो वहाँ से निकल जाता है एंड न्यू प्रोडक्ट इज बींग फॉर्म्ड. सो दिस इज हाउ द एंजाइम वर्क्स एंड हाउ इट कम्बाइंस विद द सबस्ट्रेट. दैट्स वाई वी कॉल इट एंजाइम एक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंटेंट टूडे. And if you really liked my video, so please share kijiyega apne friends ke saath, like kijiyega, aur please subscribe zarur kijiyega. Okay, thank you so much. That's all.